अस्सलाम वालेकुम जी, असीं दोबारा फिर आ गया तुहाडा सर खान विद यूसुफ पठान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज एक नया ब्रांड न्यू व्लॉग लेके आ चुके हैं। आज भी बहुत ज़्यादा मज़े का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं फिर से गाड़ी के पास। बाकी ये राफे गड़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हो? क्या हाल है? ठीक आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे संभालना शुरू कर दिया आपने? है बस है, फुल बाइकों पे भाई स्पीकर वाला काम है, यही वाले ऊपर लगाओ। बाकी यार अभी हम जा रहे हैं वर्कशॉप। छोटी सोच और पांव में मोच कभी इंसान को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता नहीं अपना कितना एक्सपेंसिव हमने सेटअप बनवाया है। बिल्कुल ऐसे ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा नहीं हमें करना पड़ा, क्योंकि पहले है यार ये हमेशा इसे। कल उस दिन परसों मछली खाने जा रहे हो, सब्जी खाने जा रहे हो, अकेले चले जाते हो यार। भाई से भी लेके चलेंगे। बाकी अभी जा रहे हैं वर्कशॉप गाड़ी लेने, तो वहाँ चल के आपको मिलते हैं। क्या यार अभी सुबह के वक्त पहली वो साल तुम्हारी है, तो ये अभी ठंडी हुई खड़ी है, ये गर्म होती है तो फिर इसे लेके निकलते हैं। गर्म होने वाली है। बाकी ये भाईजान मुझे वीडियो बनानी है, आके मैं बैठूंगा। आप आगे है, 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 दरवाज़ा खोला जा रहा है। बाकी यार अभी इसे ठंडा हो, गर्म हो रही है, ये गर्म होती है तो फिर निकलते हैं इसे लेके। तो यार हम निकल चुके हैं, मतलब गैराज से हम गाड़ी लेके आ चुके हैं। भाईजान कहाँ जा रहे हैं आज हम? भाईजान आ रही है, हमने वूफर्स वगैरह फिट करवाने हैं। भाई वूफर्स वगैरह लगवाने जा रहे हैं अभी इसके हम हसीब के पास, क्योंकि हमारा जो सारा वूफर का सेटअप था वो हसीब के पास पड़ा था। और झंडा कब आ रहा है इसका? झंडा अभी सिलवाना है अभी। भाईजान डंडा तो आ गया, झंडा पता नहीं कब आएगा। झंडा आ गया तो झंडा भी आ ही जाएगा। असल में हमें अच्छे वाला कपड़ा देख रहे हैं, वो मिलता है जैसे ही तो। भाई झंडा भी इंशाल्लाह कुछ अरसे तक लेते हैं, डंडा आ गया तो झंडा तो आएगा फिर लाजमी। बाकी अभी निकले हम, ये देख सकते हो आप, वो डंडा हमारा बाहर नजर आ रहा होगा। बाकी ये फुल हैवी साउंड के साथ शशके कराते हुए। तो यार हसीब के पास पहुंच चुके हैं, ये जगह है, इसमें आएंगे वूफर्स वगैरह, फिर इसकी सेटिंग होगी जो फिर आएगा मजा। ऐसे ही बाहर आप लोग स्पीकर, ओ बाहर आप लोग सलेंसर की आवाज़ सुनना, अंदर हम वूफर्स की आवाज़ सुनेंगे। बाकी यहाँ पे अभी सेट होगा तो आपको दिखाएंगे साथ। तो यार हमारे स्पीकरों पे हो रहा है काम, हमारे स्पीकर खुद बने हैं ना, प्रोजेक्ट खुद तैयार करनी चाहिए ऐसे है। बाकी यार ये स्पीकरों की क्या है, ये कलर कर रहे हैं जालियों से। है, स्पीकरों की जाली पे होगा कलर, हम खुद अपने प्रोजेक्ट को तैयार करें साथ हमारे। ये देखो काम भी चल रहा है, ये ब्लैक हो जाएंगी इसकी जालियाँ, ताकि जो मतलब इसका कलर चेंज हुआ था वो वापसी इसके कलर में आ जाए। यार वैसे देख के मज़ा आ रहा है काम होते हुए। हाँ इसमें तो पैसे बचत हो गए, क्योंकि पिछली गाड़ी से हमने सेल करने से पहले ये अपना सामान। हाँ पिछली गाड़ी जो थी ना, उसका जो सामान था ना हमारा, मतलब स्पीकर वगैरह जो हमने रखवाए थे, वूफर वगैरह, वो उतारा था, इसका पड़े पड़े ना जंग लग गया था इसके, तो हमने कहा चलो उस पर कलर करवा देते हैं। तो ये इसका कलर हो के वैसे ही निकला है दोबारा से, ब्लैक शाइनी ब्लैक आ चुका है इसका कलर। बाकी अभी इसके स्पीकर जो हैं वो लगाते हैं, उसमें लगाते हुए आपको दिखाते हैं और उसकी बेस सुनाएंगे। बेस तो बहुत ज़्यादा हैवी थी, याद है पिछली गाड़ी में धुन धुन। ये अल्ट्रेशन और भी करवाई है उसमें, अच्छा अच्छी होगी, उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी समीर कह रहा, तो देखते हैं कैसी आवाज़ है इसकी, आपको भी सुनाएंगे। तो यार अभी हो रही है इसकी, मतलब क्या होती है वो वायरिंग हो रही है इसकी, तो करंट ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया करंट। करंट मिल गया पता है भाई, सारा पता है। बाकी यार अभी करंट मिला हमें, पता नहीं कहाँ से है भाई, ऐसी समझ लो इस बात को। बाकी यार ये हमारे लग गया भाई से करंट, ये हमारे हैं स्पीकर, ये हमारा है वूफर, वो हमारा है स्पीकर, ये हसीब है और ये तारे हैं। हाँ चैनल जो सबसे महंगी चीज़ है इसमें वो आपको दिखाते हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है वो ये है, ये चैनल है इसका। गाड़ी के इंजन की कोई वैल्यू नहीं है, चैनल की अहमियत है, इसकी वैल्यू है। गाड़ी के इंजन की तो मेन वैल्यू है जो यहाँ तक लेके आई है हमें। बाकी यार ये चैनल है इसका, ये वायरिंग हो रही है, मास्टर जी इसकी वायरिंग कर रहे हैं, अच्छी अच्छी सी वायरिंग हो जाएगी ऐसे ही है मास्टर जी, जबरदस्त हो जाएगा।
जबरदस्त काम हो जाएगा। बाकी यार ये वायरिंग शायरिंग हो जाए, शुगल मेला लगाया हुआ इन्होंने आपस में, मतलब हंस रहे हैं सारे। बाकी आपको थोड़ी देर तक मिलते हैं, एक और वीडियो बनानी है हमने लोगों के लिए, ये जो मेंबर लोग खड़े हैं ना, हाँ इनके लिए बनानी है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। अब मास्टर साहब ऐसी ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाई होगी अब तक पाकिस्तान के जितने भी इलाके जो लोग रहते हैं, किसी ने गारंटी के साथ कहता हूँ। मास्टर को बुला, मास्टर साहब पीछे आ गए हैं, कह रहे हैं ऐसी वीडियो डक्की भाई भी नहीं बनाते जैसे मास्टर जी बनाएंगे। मास्टर जी बनाएंगे भाई एक वीडियो, पुलिस ने छापा मारा है। हाँ हाँ, पता चल गया, पता चल गया भाई मुझे। बाकी यार अभी ये काम कर रहे हैं तो काम करते हैं। तो फाइनली यार साउंड सिस्टम ओके हो चुका है, डन हो चुका है। बाकी जो वो था वो किधर रखा है भाई, एम्पलीफायर इसके नीचे, इसके नीचे है, और बाकी जो वूफर है वो पीछे पड़ा है। मास्टर साहब लगा दिया, मुझे सिर्फ 15 मिनट दो। मास्टर साहब बिजी हैं, मास्टर साहब लगा दिया साउंड। भाईजान इधर उधर, हेलो किधर जा रहे हो, भाग रहे हो? जी जी जी, लगा दिया साउंड, साउंड जबरदस्त हो गया। उनसे पूछे क्वालिटी कैसी आ रही है, 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 है। और जब जहाँ से गाड़ी गुजरेगी वो लोग क्या महसूस करेंगे। हेले, हेले। बिल्कुल। बाकी यार जो साउंड है ना इसका बहुत प्यारा हो गया, ये आप सुन सकते हो अंदर, ये चलाई बैठे हैं। भाई क्या लगा दिया आपने? अच्छा, बाकी यार अभी हम चलते हैं यहाँ से, साउंड साउंड आपको इसका गेड़ा करवाते हैं कि साउंड कैसा है इसका। तो भाई जान रात हो चुकी है, नुमान के जंगल में हम पहुंच चुके हैं। भाई कहाँ पहुंचे हैं हम लोग इस टाइम में? फुल सुनसान एरिया में भाई, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दो के अलावा कोई भी नहीं है। आप देख सकते हो यार फुल सुनसान एरिया है, अकेती ना पड़ के टापे में भाई वो रख रहा मोबाइल। बाकी यार नुमान को आवाज दी है, नुमान आता है तो उसे करते हैं थोड़ा सा तंग, है तंग करना, आज इसे तंग करते हैं भाई। बाकी यार वो आता है तो आपको मिलते हैं फिर। तो यार फाइनली नुमान के पास पहुंच गए भाई, ये मिल भी गया, लेकिन यार इसका जो नेट है ना आज उसने तंग कर दिया भाई। नेट ने क्या अजाब किया है आपके? इधर आ, इधर मैं, इधर गजब बेइज्जती है। क्या क्या? इधर आ। हाँ हाँ आ गया, आ गया। तो बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा ना। कैसे हो? ठीक ठाक, आगे हो गए बैठे तो यार। ए आए हाय 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 हाय, ये क्या सीन है? ये टिकटॉक ने यार बस हमें बेवफाई दे दी। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। बाकी शानी भाई भी आए भाईजान, क्या सीन है? आपने हमें बुलाया है? मैंने बुलाया? हाँ यार, इसने नहीं बुलाया हमें। देख बस उसे भी यार, कैमरा खुलता है ये एक हो जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ, ये तो गलत बात है ना यार। ये कैसे हैं आप? या मुझे ये तो हाँ, क्या मुझे यार साथ में क्या कहते हैं? ये होता है आवाम को सारी को पता, आपको ही नहीं पता, सिर्फ कच्ची बोटी यार, कच्ची थी, कच्ची थी। ये क्या कहते हैं? ये वो है जो आपको समझ नहीं आएगा कभी। बाकी यार सही बात है, बाकी यार यहीं पे ब्लॉग का एंड कर दें भाई। इससे दिल उठ गया मेरा, है आपका अपना ब्लॉग है जहाँ पे मर्जी एंड। चलो यार ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं, बाकी बातें शाते इससे करते हैं, ठीक है? बाकी यार आपको प्रोजेक्ट की अब वीडियो डेली मिलेंगी। क्या कह रहे? ये इतना सर कहते हैं मेरा यूट्यूब से दिल उठ गया यार, मर्जी है यार, अब इसके साथ मोए मोए हो गया। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।